हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो फाइनली आज है दीदी का एंगेजमेंट एंड हम सब निकल चुके हैं वेन्यू के लिए जहाँ एंगेजमेंट होगी। एंड आज तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हम बस थोड़ी देर में पहुँच ही जाएंगे। एंड आज का मौसम देख के आप लोगों को लग रहा होगा कि मौसम बहुत ही अच्छा है, बारिश होने वाली है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आज तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी और वो भी उमस वाली, क्या ही बताऊँ। तो थोड़ी देर में हम पहुँच जाते हैं होटल जो कि है प्रिंस होटल। तो अभी अंदर चलते हैं एंड चलते हैं अपने रूम में। एंड आते के साथ ही यहाँ दीदी का मेकअप शुरू हो जाता है, क्योंकि हम सभी को पता है कि मेकअप करने में कितना टाइम लगता है। पहले छेका होगा तो अभी छेका वाले लुक का मेकअप हो रहा है। तो जब तक मेकअप हो रहा है तब तक हम चलते हैं सबसे मिलने के लिए। तो इस रूम में मेरी मौसी, बुआ, बड़ी मम्मी और भी सभी लेडीज लोग इस रूम में थे। एंड जो भी जेंट्स थे वो सभी दूसरे रूम में थे। एंड ये तो अच्छा है कि सभी रूम में एसी थे, वरना गर्मी से तो हमारी हालत ही ख़राब होने वाली थी। एंड यहाँ पे फोटोग्राफर भैया लोग आराम से अभी बैठे हुए हैं, क्योंकि अभी मेकअप में थोड़ा टाइम लगने वाला है। अब तक हम चलते हैं ऊपर ऊपर का हॉल देखने के लिए, जहाँ पर आज का पूरा फंक्शन होने वाला है। एंड ये रहा वो हॉल जहाँ पे काफ़ी ब्यूटीफुल से डेकोरेशन हो रखी है। पहले यहाँ पे छेका होगा, देन इंगेजमेंट होगा। तो ये जो इंगेजमेंट हो रहा है वो मेरी अपनी दीदी के देवर के साथ हो रहा है। तो हम चार बहन हैं, जिसमें मेरी बड़ी दीदी का शादी हो चुका है, अभी सेकंड नंबर वाली दीदी का शादी हो रहा है, मतलब आज इंगेजमेंट है। तो वो मेरी ही दीदी के देवर के साथ हो रहा है एंड वो दोनों अब साथ में ही देवरानी जेठानी बन के रहने वाली है। तो अभी मेरी दीदी लोग, जीजू लोग, सभी लोग आ चुके हैं। और आते के साथ ही मैंने दीदी के बेटे को सबसे पहले लिया, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम लोगों को इसका ही इंतज़ार रहता है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा क्यूट है ना, मैं क्या ही बताऊँ, आप खुद ही देख सकते हो। तो चलिए मैं भी अब रेडी हो जाती हूँ, कहीं मैं लेट ना हो जाऊँ, क्योंकि सभी लोग रेडी हो चुके हैं, दीदी भी रेडी हो चुकी है, यहाँ उनका फोटोशूट हो रहा है और मैं यहाँ अपना मेकअप कर रही हूँ। तो फाइनली मैं भी रेडी हो चुकी हूँ और हम जा रहे हैं अब ऊपर जहाँ छेका पूजा होने वाला है। मेरे साथ जो आपको दीदी दिख रही है वो मेरी थर्ड नंबर वाली दीदी है और मैं सबसे छोटी हूँ। तो फाइनली जीजू भी आ चुके हैं छेका पूजा के लिए। एंड ये जो सारी मिठाइयाँ और फ्रूट्स है वो मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि पहले नहीं दिखा पाई थी। मिठाइयाँ तो रात में पैक हुई थी तो मैं शूट नहीं कर पाई थी, एंड फ्रूट्स तो आते वक्त ताज़ा ताज़ा पैक हुए थे। तो अभी जीजू का छेका चढ़ना शुरू हो चुका है, जो कि मेरा भाई चढ़ाने वाला है। मेरे दो भाई है जो कि हम चारों बहनों से छोटे हैं। तो अभी बड़ा वाला भाई यहाँ पे छेका चढ़ा रहा है। मैंने छेका का क्लिप बस थोड़ा थोड़ा ही लिया है, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि पहले जीजू का छेका चढ़ रहा है फिर दीदी का छेका चढ़ेगा तो काफी बड़ा हो जाता। तो जीजू का छेका तो यहाँ पे चढ़ चुका है और अब इनको चुमाया जाएगा। तो सबसे पहले इनकी मम्मी यहाँ पे चुमाने के लिए आई हैं, देन मेरी दीदी बड़ी वाली यानी कि जीजू की भाभी चुमा रही है, फिर जीजू की बहन यानी दीदी की ननद चुमाने वाली है। तो ये हमारे तरफ के तो छेका चढ़ चुके हैं, ये मिठाइयाँ उनके तरफ के हैं। तो अब हम दीदी को लेकर ऊपर जा रहे हैं क्योंकि इनका भी छेका चढ़ने वाला है। तो दीदी आ चुकी है, अभी यहाँ पे वो थोड़ा पूजा करेंगी, देन दीदी के देवर आएंगे और वो इनका छेका चढ़ाएंगे, दीदी का देवर यानी कि जीजू के भाई। तो दीदी का भी छेका यहाँ चढ़ चुका है और अब इनको भी चुमाया जाएगा। तो सबसे पहले मम्मी चुमाने के लिए आई है, फिर एक एक करके बुआ मौसी मतलब जितने भी लोग आएंगे और एक एक करके चुमाएंगे। तो मैंने बस थोड़ा थोड़ा ही क्लिप लिया है, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो
जब तक दीदी को चुमाया जा रहा है तब तक चलिए मैं आपको सभी गेस्ट को दिखाती हूँ कि कितने सारे गेस्ट आ गए हैं। मतलब हमारे तरफ के गेस्ट, जीजू तरफ के गेस्ट काफी लोग हो गए थे, पूरा हॉल भर चुका है एंड अभी भी काफी लोग इधर उधर तो होंगे ही। और अभी सभी लोगों ने अपना नाश्ता कर लिया है, नाश्ता के साथ साथ कोल्ड ड्रिंक वाटर बॉटल भी था एंड मैंने ही सबको दिया था और मैं खुद ही सूट करना भूल गई क्योंकि काफ़ी बिजी हो गई थी, ध्यान नहीं रहा। एंड नाश्ता करके अभी सभी लोग आराम से छीका देख रहे थे। नाश्ता के साथ साथ यहाँ पे स्नैक्स के भी ऑप्शन थे, चाउमीन था, फुचका था, तो बीच बीच में लोग इसके भी मजे ले रहे थे। और मेरी दीदी भी अपने देवर से आके बोले कि यार मुझे भी चाउमीन खाना है, कोई ला के दे दो। तो जीजू ला के दीदी को चाउमीन दे देते हैं और दीदी और किट्टू आराम से खा रहे हैं यहाँ पे चाउमीन। यहाँ पे दीदी की नंद भी चाउमीन खा रही है। तो छेका होने के बाद आ जाती है दीदी रूम में और अपना नाश्ता करती है क्योंकि इसे भी काफी भूख लगी हुई थी। तो अब चलते हैं इंगेजमेंट के लिए। मैंने रिंग प्लेट ले लिया है एंड यहाँ दीदी और जीजू की हो रही है एंट्री। मेरे जीजू आप लोगों को कैसे लग रहे हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और दीदी भी कैसे लग रही है ये भी कमेंट्स में बता दीजिएगा। ये न्यू कपल की जोड़ी आप लोगों को कैसे लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो रिंग एक्सचेंज करने की ड्यूटी मेरी थी तो मैं भी रिंग प्लेट लेके आ जाती हूँ, इन लोगों को रिंग प्लेट दिया और फाइनली हो रही है इंगेजमेंट जिसका हम लोगों को इतने दिनों से इंतज़ार था। यार इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि क्या ही बताऊँ, मतलब खुशी से मैं तो कहीं पागल ना हो जाऊँ। एंड आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स में बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अब होगी वरमाला, यहाँ पे दीदी और जीजू ने अपना वरमाला भी एक्सचेंज किया। तो इंगेजमेंट तो हो चुकी एंड अब सभी लोग आएंगे और दीदी और जीजू को आशीर्वाद देंगे, गिफ्ट देंगे। तो मेरे मम्मी पापा भी आ चुके हैं, उन्होंने गिफ्ट्स दिया। मेरी मम्मी जीजू के लिए लेकर आई थी ब्रेसलेट्स, तो उन्होंने उनको ब्रेसलेट्स पहनाया। और दीदी के लिए लेकर आई थी पायल, तो दीदी को पायल भी पहनाया। फिर एक एक करके सभी लोग आते हैं, दीदी और जीजू को ब्लेसिंग्स देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं। सभी मेरे जीजू के फ्रेंड्स है एंड फिर हम लोगों ने फैमिली पिक्चर लिया जिसमें एक भाई अभी भी मेरा नहीं है एंड ये रहा वो मेरा भाई जो नहीं था पिक्चर के टाइम पे। फिर दीदी जीजू ने एक दूसरे को प्रपोज किया, फ्लावर्स दिए। देन आती है केक कटिंग की बारी, तो दोनों ने मिलके केक कटिंग किया। एक दूसरे को केक खिलाने के बाद जीजू ने हमें भी केक खिलाया, आखिर अपनी सालियों को वो कैसे भूल सकते हैं। फिर मैंने भी दोनों के साथ पिक्चर वगैरह ली एंड अब होगा इन लोगों का फोटोशूट्स, कपल फोटोशूट, सिंगल फोटोशूट्स। तो दोनों को शूट्स के लिए छोड़ देते हैं एंड हम चलते हैं कुछ खाने के लिए क्योंकि काफ़ी भूख लग गई थी, खाने में काफ़ी कुछ था। तो इसकी एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगी तो उसे ज़रूर देखिएगा। तो ये रहा मेरा भी आज का लुक, मैं कैसे लग रही हूँ कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा क्योंकि मैं भी आज काफ़ी ज़्यादा ब्यूटिफुल लग रही थी। बट ये वीडियो मैंने एकदम फंक्शन ख़त्म होने के बाद बनाया था एंड अभी फंक्शन ख़त्म हो गई है तो हम सब निकल चुके हैं अपने घर के लिए एंड सब लोग काफ़ी थक गए हैं, कोई इधर सो रहा है, कोई उधर सो रहा है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं अब मिलूंगी आपसे दूसरे किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।